दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं, हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर शेट्टी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मी मराठी शिकता है, अभी पूरी तरह से मैं नहीं सीख पाया हूं, लेकिन जब तक सीखूंगा नहीं तब तक उस भाषा में अपना प्रवचन या वाचन नहीं करना चाहूँगा। मराठी दिवस पे मैं ऐसा मानता हूँ कि
महाराष्ट्र से जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे लिए संपन्न रहा है। नाम, ख्याति, जो कुछ भी मिली, इस लायक बना कि आज मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, ये सब मुझे महाराष्ट्र से मिला। जीवन में 46 वर्ष हो गए महाराष्ट्र में, जो पहला अपना घर बनाया वो महाराष्ट्र में बनाया, जो पहली गाड़ी ली अपने पैसों से वो यहाँ महाराष्ट्र से, पत्नी, ब्याह, बच्चे, नाती पोते सब यहाँ महाराष्ट्र से। मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ इस भूमि को, महाराष्ट्र भूमि को, कि इतनी उपलब्धियाँ मुझे उन्होंने जीवन में दी है। नमस्कार करता हूँ मैं और अभिनंदन करता हूँ। मैं जितने भी थाने पुलिस के आज महानुभाव यहाँ मंच पर उपस्थित हैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अवसर दिया कि आप लोगों के सामने कुछ शब्द कह सकूँ। आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि बताया गया है, ट्रैफिक के जो भी नियम है, किस तरह से इसको प्रोत्साहित करना आप सब लोगों पे और ख़ास तौर से जो युवा जनता वहाँ बैठी हुई है, बहुत सारे नियम कायदे कानून बताए उनसे पहले जो व्यक्ता आए उन सब ने आपको बता दिया है, अवगत कराया उनसे। डॉक्टर शेट्टी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया आपको किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि डॉक्टर शेट्टी, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं सीट बेल्ट पहन के चलाता हूँ। ये गाड़ी मेरे बाबा की नहीं है, मेरे अपनी है। और मेरे गर्लफ्रेंड का जमाना आप चला गया। तो मैं जितने भी नियम हैं, कायदे कानून हैं ट्रैफिक के, उन सब का पालन करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना रहा है कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ, उस देश के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, के लोगों के बारे में मुझे जो पहली जानकारी मिलती है वो इस दिशा से मिलती है कि उनके देश में, उनके प्रांत में, उनके क्षेत्र में ट्रैफिक कैसे चलता है। जब मैं देखता हूँ कि एक नियमित रूप से कानून का पालन करते हुए वहाँ का ट्रैफिक चलता है, तब मुझे एहसास होता है कि यहाँ की जनता, यहाँ का देश जो है उसका चरित्र कैसा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसी बात को हम अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने क्षेत्र का पालन करें तो जितने भी विदेशी यहाँ आते हैं और जितने भी यहाँ देशी हैं उन सब के मन में एक ऐसी धारणा होगी कि हमारा देश एक अनुशासित देश है और इस पे हमको बड़ा गर्व है। बहुत सारी बातें अभी बताई गई, जो लोग लाइसेंस देते हैं गाड़ियों का वो किस तरह उनको मिलता है, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, कितना उनका अनुमान लगाया जाता है कि वो सही ढंग से गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं, जितने भी नियम हैं वो उनको पता है कि नहीं। मैं अमेरिका न्यूयॉर्क में कुछ महीने रहा और मुझे लगा कि मुझे यहाँ गाड़ी चलानी चाहिए, तो जब मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया और पता लगाया कि कैसे मिलता है लाइसेंस, तो पहले ही पता चला कि वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर आपको 3 महीने भर्ती होना पड़ा और 3 महीने आपको ट्रैफिक के बारे में शिक्षा दी जाएगी। 3 महीने शिक्षा के बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उस इम्तिहान में यदि आप पास हो गए उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो आपको सड़क पर ले जाएंगे और तकरीबन 6-7 महीने आपको लगते हैं जब तक कि वो आप इम्तिहान पास नहीं कर लेते। इतनी दृढ़ता के साथ वहाँ पर एक ट्रैफिक लाइसेंस मिलता है किसी को गाड़ी चलाने के लिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाता है, किसी को कुछ दे दिला दिया और ट्रैफिक लाइसेंस मिल गया।
कई बार उनका इम्तिहान भी नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता कि उनको कानून कायदे मालूम है या नहीं। मेरा उनसे अनुरोध है, जितने भी विभाग हैं जो कि लाइसेंस देने का काम करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना और अनुरोध है, कृपया पूरी तरह से उनका इम्तिहान लें, ताकि जितनी भी दुर्घटनाओं के बारे में अभी यहाँ पर लोगों ने बात की है, उनसे सब लोग बचे रहें। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ये तो रही कायदे कानून की बात, और जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो सब अपना बहुत ही नियमित रूप से और दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इस तरह मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी एक पुलिस अधिकारी है जो दूसरे जो गलती कर रहे हैं उनको देखता है और उनको सूचित करता है, उनको समझाता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं जुहू पार्ले स्कीम में रहता हूँ और मैं जुहू पार्ले स्कीम में अक्सर अपनी गाड़ी चलाता हूँ और मैं जितने भी नियम हैं उनका पालन करता हूँ, और जो पालन नहीं करते हैं उनको मैं खदेड़ करके रोकता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि आपने गलती की है, आप वापस जाइए, आपने रेड लाइट क्रॉस किया है, आप गलत लेन में हैं, आप गलत तरफ से गाड़ी चला करके आ रहे हैं, उनको मैं वापस भेजता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक इंसान अगर अपने मन के अंदर ये ठान ले कि हमें शिक्षा देनी है उन लोगों को जो नियम तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत व्यापक ढंग से प्रचार हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो ये अभियान थाने पुलिस ट्रैफिक की ओर से आज यहाँ पर आरंभ हुआ है, वो न केवल एक अभियान है बल्कि एक प्रार्थना है आप सबसे, आपकी बेहतर जीवन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। कई वर्षों से ट्रैफिक को लेकर के मेरे मन के अंदर बहुत सी ऐसी विविधाएँ आ रही थी, और कई बार मैं पुलिस अधिकारियों से मिला हूँ और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि कृपा करके इसके बारे में यदि कोई अभियान चलाना हो, कोई कैंपेन करना हो, तो अगर आप चाहें तो मैं उसमें सम्मिलित हो सकता हूँ। और आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके आप मुझे अपने इस अभियान में सम्मिलित करें, कोई कैंपेन हो तो उसमें मुझे भाग लेने को कहें, ट्रैफिक के बारे में उनके रूल्स उनके नियमों के बारे में बात करनी हो तो कृपा करके मुझसे वो काम कराएं। अगर मैं गुजरात में टूरिज्म बेच सकता हूं तो इतना तो महाराष्ट्र के लिए कर ही सकता हूं। मैं एक बार फिर अपना आभार प्रकट करता हूं कि थाने ट्रैफिक पुलिस ने मुझे आज यहां आमंत्रित किया, इतना आदर सम्मान मुझे आप सब लोगों से मिला, इसी तरह आपका स्नेह प्यार मिलता रहे और मुझे यहां बार बार आमंत्रित करते रहिए, ताकि हम न केवल ट्रैफिक के बारे में, बहुत और सारी बातें हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है आज, ये मुझे बहुत ही अद्भुत लगा, और मैं श्री गोयनका जी को कहा है वो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक अद्भुत एक एप्लीकेशन है, और जितने भी जैसे कि अभी महिला अधिकारी जी ने बताया कि थाने में जितने जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं उसको आप डाउनलोड करें और उसकी सुविधा जो आपको मिल रही है उसका उपयोग करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम प्रणेत। Bye.
आपण मगाशी बोलता रहे खूप चांगली बातमी आम्हाला सांगितली की आपण मराठी शिकता आहात आणि महाराष्ट्रात अनेक वर्ष राहतात. आपण बोलताना मी सांगितलं की अजून मला चांगली मराठी येत नाही आणि तोपर्यंत मी भाषण मराठीतून करणार नाही. पण आम्हाला उत्सुकता आहे की तुम्ही मराठीतून भाषण केव्हा करणार? एक बार भाषा सीख लूंगा तब उस भाषा में बात करूंगा. ये मैंने बहुत पहले से विचार किया था. सही भाषा न बोलने से आपत्ति होती है, इसलिए जब तक भाषा नहीं सीख लेता हूं तब तक उसे बात नहीं करूंगा. दूसरा प्रश्न ऐसा है अमित जी, दूसरा सवाल यह है कि आपने अभी अभी कहा कि मैं गुजरात में टूरिज्म बेच सकता हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ काम करना चाहता हूँ. तो मैं आपको एक विनंती कर रहा हूँ या सवाल पूछ रहा हूँ कि और अगर हमारे पुलिस दोस्तों ने आपको महाराष्ट्र के रस्ते विकास का या इसी प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो आप काम करेंगे क्या? जी अवश्य, मैं कब से कह रहा हूँ, कई वर्षों से मैं जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैंने कहा हुआ है कि मैं प्लीज़ कृपया करके मुझे अवसर दें कि मैं उसका प्रचार कर सकूँ. और कई बार हमारी बैठकें भी हुई हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जो यहां पर हैं और जितने भी मुझसे मिलते रहे वहाँ हम लोग मिल करके एक कार्यक्रम बनाएंगे और उसमें मैं अवश्य काम करने के लिए तैयार हूँ. ये मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है. और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इस तरह का कोई एक अभ्यास हो पहले क्या बोलना चाहिए क्या कहना चाहिए और मैं स्वयं उसमें अपनी ओर से उसमें भाग लेना चाह रहा हूँ. ये मेरा सर, एक मैं मिसेस दीवान बात कर रही हूँ. अभी नाइट लाइफ का सवाल हो जाता है, नाइट लाइफ का माहौल है, तो इस नाइट लाइफ में आपके पुलिस अधिकारियों को नाइट ड्राइविंग का कोई समस्या और दिक्कत नहीं हो जाएगी? ये एक सवाल है. और दूसरा सवाल, एक रास्ता सुरक्षा अभियान चल रहा है, इसमें स्कूल बच्चों के लिए जितना ध्यान देना चाहिए उनका सुरक्षित रखें उतना ध्यान नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी डेट वैन में अभी भी बच्चे जा रहे थे, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये इसका उत्तर तो आपको पुलिस अधिकारी देंगे. मैं इससे पहले एक बात जैसा बोला कि पुलिस के साथ काम करने को तैयार है, तो हम एक प्रपोजल कुछ दिन पहले बात हुई थी कि एक छोटी सी फिल्म रोड सेफ्टी पे मारुति सुजुकी प्रोड्यूस करने को तैयार है और उसके लिए आई थिंक अमित जी ने हाँ भी कर दी थी. तो हम शीघ्र ही पुलिस के सहयोग से उस फिल्म का प्रोडक्शन अमित जी से समय लेके शुरू करना चाहेंगे. आप अमिताभ जी कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से, जैसे कि मैंने कहा, जो भी आप लाएंगे कैंपेन किसी भी तरह से उसमें काम करना होगा, मैं उसमें काम करूँगा और मैं निशुल्क काम करता हूँ, ये बता. बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी. राज्य सरकार ने अभी नया कानून बनाने जा रही है कि महाराष्ट्र में 2400 घंटे जिंदगी जिस तरह से चलती रहेगी और तो इस जो राज्य सरकार का नया रोल आ रहा है कि रात को भी होटल वगैरह चले रहेंगे क्योंकि यह पर्यटन सिटी है, नाइट लाइफ किस तरह रहेगी, आपके विचार में क्या है? ये तो जो सरकार बोलेगी उसको करना पड़ेगा और जो पालन करना है उसका पालन करेंगे. मैं तो सरकार हूँ नहीं. नहीं, आपको क्या लगता है ये उचित है, किस तरह रहेगा लोगों के लिए? इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता. अमिताभ जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है ट्रैफिक से. अभी आपने कहा भाषण में कि जो ट्रैफिक के जो आरटीओ डिपार्टमेंट है जो लाइसेंस देता है वो इजीली मिल जाता है, भले उसमें भ्रष्टाचार हो कुछ भी हो, इजीली वहाँ पे कोई रोक लगानी चाहिए, तो कहा तो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए इस चीज़ में क्योंकि ये सीधा जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, अपघात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं. मेरा मानना है कि जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया, अपना स्वयं पूरा इम्तिहान होना चाहिए और जो भी लाइसेंस देने की जो तरकीबें हैं उन सब का पालन करना चाहिए. और जब भी लाइसेंस दें तो इतना ध्यान रहे कि एक दिन सड़कों पर जाएगा, हो सकता है कि अगर इनमें कोई नाकामी रहेगी तो ये एक्सीडेंट हो सकता है, जाने जा सकती है. इसलिए जो लाइसेंस देते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही परीक्षा लेने के बाद वो लाइसेंस का अनाउंसमेंट करें या उसको ओके करें. सर, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, पेरेंट्स लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, जो बच्चे लोग हैं उनके ऊपर, ज़्यादातर पेरेंट्स लोग ही मुँह करते हैं बच्चों लोग को कि 17 के पहले तुम लोग गाड़ी चलाओ, बिंदास ले लो, इनका प्यार रहता है या कुछ भी हो,
लेकिन उन्होंने उनको उनको क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को? ये मैं ऐसा, ये बहुत से प्रश्न हैं आपके पास, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है जब ये कैंपेन डिज़ाइन होगा, आपकी जितनी बातें हैं उसको हम इस कैंपेन में रखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे और शिक्षा भी देंगे। सर सर, आप पे बहुत साल पहले एक पिक्चराइज की गई थी मुकद्दर का सिकंदर, उसमें आपने एक मोटर बाइक चलाई, उस पर एक गाना भी आपका बहुत हिट हुआ, तभी आपने हेलमेट नहीं पहना था जी। बिल्कुल सही कहा, नहीं बिल्कुल सही कहा, और मैं यही सोच रहा था कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें जो है हम फिल्मों में गलत काम करते आए हैं, उनको अब हमने सुधारा है। वो मैंने उसके बाद से अगली पिक्चर में जो साइकिल चलाया वो अभी हाल ही में था, बुढ़ा होगा तेरा बाप, और उसमें डायरेक्टर ने कहा कि आपको मोटरसाइकिल चलाना है और बाल बाल बिखरे होने चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिना हेलमेट पहने ये शॉट नहीं दूँगा। तो ये परिवर्तन हुआ, हम भी अपनी जो गलतियां उनको सुधारने में लगे रहते हैं और हमेशा सुधारते रहेंगे। धूम धूम में, लेकिन अभिषेक जी ने हेलमेट नहीं पहना है जी, आप जब वो यहाँ आएंगे अगली बार उनसे पूछिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो अमिताभ जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक मेरी एक सरकार के माध्यम से एक सूचना भी है आपको। अभी जो राकेश मारिया साहब जो मुंबई के पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने नाइट लाइफ का रात में खुला रहेगा ये ऑर्डर जारी किया है, आपको ऐसा नहीं लगता है जो नई पीढ़ी एक इस सरकार के माध्यम से अच्छे रोल में जाना चाहिए, इस नाइट लाइफ में हो सकता है बच्चों को गलत असरात का सामना करना पड़ेगा, रात में नाइट लाइफ आने से हो सकता है कॉम में बिगाड़ आए। जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं, आप राकेश मारिया साहब से पूछ तो सकते हैं। नहीं नहीं, आप भी पूछ सकते हैं भाई साहब। नहीं, हम पूछे तो उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। जी जी, तो फिर मुख्यमंत्री से पूछिए। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी यही हम बात कर रहे थे मंच पर बैठे हुए, जब हम लोग भारत छोड़ के कहीं और जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के जो नियम हैं उनका हम पालन करते हैं बहुत अच्छी तरह से, अपने देश में आकर के उनका पालन नहीं करते, तो ये बदलना होगा हमें। अमिताभ जी, आज आपने कहा कि आपको जो भी कुछ महाराष्ट्र ने दिया है, बहुत कुछ आपको महाराष्ट्र ने दिया है जी, लेकिन इसके आरोप हुआ है कि आपको इतना महाराष्ट्र में दिया, लेकिन आपको जब स्कूल खोलने का मौका मिला तो आपने यूपी में खोला। नहीं जी, आप देखिए, बहुत सारी सूचनाएं जो होती हैं जो कि चैरिटी के रूप में की जाती हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि चैरिटी करनी चाहिए, उसके बारे में उसका विज्ञापन नहीं करना चाहिए। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसका विज्ञापन हुआ, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको अनुमान ही नहीं है। आपको अनुमान है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाई थी, उसमें मैंने भाग लिया था और मैंने वहाँ पर उस कैंपेन में किया था। आपको मालूम है कि ट्यूबरकुलोसिस हारेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ये अभियान शुरू किया है। तो ऐसे बहुत से अभियान हम करते रहते हैं, ऐसा ये नहीं है। लातूर में जब भूकंप आया था तो एक पूरा गांव हमने अपने निजी धनराशि से उसको एक महीने के लिए पाला था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, काम करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि हमने महाराष्ट्र के लिए कुछ किया है, ये गलत होगा। हेलो सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। यस सर, बैठे रहिए, मैं वहाँ जाता हूँ। कौन निकालेगा? सर निकालेंगे कौन? सर 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 सुनिए, सर सर अमित जी, अमित जी आप वहीं रहिए, बहुत गड़बड़ जाएगी यहाँ पे, कुछ नहीं। कौन आएगा? सर हम लोग वहीं जाते हैं, सर हम लोग वहीं जाते हैं, तो सर हम लोग वहीं।